देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज और मैं हूँ आप। सतना के रामनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में बलात्कार के 3 वर्ष पुराने प्रकरण के फरार इनामी आरोपी को किया गया गिरफ्तार और भेजा गया जेल। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का राजनैतिक बलिदान आज जनता के लिए एक बार फिर फलीभूत हुआ। करतहा और जरियारी में बने स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक सुविधाओं हेतु जनता की सेवा में हुए समर्पित। एसडीओपी हिमाली सोनी के नेतृत्व में अंदरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना से गुलवारा के ढाबा में अवैध रूप से बेचे जा रहे डीजल जब्त कर 90 लीटर डीजल के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना नियंत्रण की समीक्षा की और कोविड महामारी के दौरान जो भी बच्चे अनाथ हुए उनके कल्याण के लिए शीघ्र ही नई योजना लागू करने का आश्वासन दिया। आएंगे अब शादियों में जो अभी तक संख्या 10-10 थी उसको बढ़ा के हम लोग ये तत्काल प्रभाव से। रामनगर थाना क्षेत्र के पटना गांव में पिकअप पलटने से 8 लोग हुए घायल। मौके पर एसडीओपी हिमाली सोनी सहित रामनगर पुलिस मौजूद। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। सतना के सवेरा होटल वार्ड नंबर 7 भरूच नगर का नजारा। दुकानदार द्वारा रात के अंधेरे में फेंका जाता है कचरा और कॉलोनी वासियों को हो रही है परेशानी। नगर निगम नहीं दे रहा है ध्यान। नगर निगम मुर्दाबाद 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 स्मार्ट सिटी के नाम पर सतना शहर। हद का एक और मामला आया सामने। छोटा सिकंदर निकला टुकुरिया टोला में रहने वाला तौफीक 3 नाबालिग लड़कियों को फंसा कर किया है दुष्कर्म। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मझगवा के हिरौंदी क्षेत्र के सेल्समैन रापेंद्र जायसवाल द्वारा गरीबों का वितरित किए जाने वाला राशन कोटेदार द्वारा ब्लैक करने की नियत के करीब 15 क्विंटल गेहूं को ग्रामीणों ने पकड़ा। नागौर में देर रात बाइक एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागौर में जमकर मचाया हंगामा। डॉक्टर स्टाफ नर्स की मारपीट भी की। महिला की गला घोट कर फरार चल रहा आरोपी को मझगवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। आरोपी ने बेटे और उनके दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटे में सामने आए 80,834 नए मरीज। यूपी दिल्ली एनसीआर और पंजाब हरियाणा में मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिन का अलर्ट। दिल्ली में कोरोना पाबंदियों से आजादी। आज से 7 दिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। शिमला में रविवार को खूब जुटी सैलानियों की भीड़। कोविड ई पास से मिली एंट्री। यूपी में 2022 की बढ़ी सरगर्मियां। लोक भवन में 8 सभी कैबिनेट की बैठक। सभी मंत्री होंगे शामिल। नमस्कार मैं हूं सेजल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना से डरिए नहीं, दूरियां बनाए रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।